नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है, फिर चाहे वो भारत का हो या विश्व के किसी भी देश का हो, उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। और अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपरों में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया साइट्स पर देख रहे होंगे, व्लादिमीर पुतिन साहब काफी चर्चा में बने हुए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूस, आप लोग एक बार मैप पर देख लीजिए रूस को, आप देखिए, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और यहां देखेंगे आप लोग रूस। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूस को यूरोप में भी शामिल किया जाता है और आपका एशिया में भी शामिल है। और रूस की राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे ए मॉस्को, मॉस्को इसकी राजधानी है। तो यही के राष्ट्रपति है आपके पुतिन साहब। और आपको बता दूं, ये पहले जासूस का काम किया करते थे। तो आज हम लोग जासूस से लेकर सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति बनने का सफर किस तरह से इनका रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और आप सभी को मालूम भी होगा कि अभी जो भी टॉप लीडर्स हैं, शक्तिशाली लीडर्स हैं दुनिया में, उसमें इनका नाम भी शामिल किया जा रहा है। आपको स्क्रीन पर सामने इनकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी। एक और है व्लादिमीर पुतिन साहब। अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम लिखते हैं व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। इनका उपनाम है कि आप लोग पुतिन भी जानते हैं या व्लादिमीर पुतिन के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते हैं। अगर हम लोग इनकी जन्म तिथि की बात करें कि किस सन में इनका जन्म होता है, तो 7 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म होता है। और अगर हम लोग जन्म स्थान की बात करें तो सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद, जिसे आज आप लोग पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, जिसे आप लोग रूस कहते हैं आज, पहले इसे क्या हुआ करता था, इसे पहले आप लोग सोवियत संघ के नाम से जानते थे। इसमें और भी देश शामिल हुए थे, लेकिन आपको बता दूं 1991 में आप देखते हैं कि जो आपका सोवियत संघ था, इसका विघटन हो जाता है और एक रूस उसमें से निकल कर आता है। और अगर हम लोग इनके पिता की बात करें पुतिन के, तो व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन इनके पिता का नाम, और मारिया इवानोवा नेवान इनकी माता का नाम है। पत्नी की बात करें तो ल्यूड मिला सकरवनेवा इनकी पत्नी का नाम, और बच्चों की बात करें तो मारिया पुतिन और एकातेरिना पुतिन इनके बच्चों का नाम है। और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के नाम रखे जाते हैं, तो आप देखिए रूस में इस तरह के नाम रखे जाते हैं। और आप देखते हैं आपके देश में राम से आम, कृष्णा, इस तरह के नॉर्मल आपको बड़ी साधारण होते हैं, एक तरह से आप कहिए कि साधारण नाम लगते हैं। लेकिन आप रूस में देखेंगे तो ये नाम उन्हें आसानी से लेने में दिक्कत नहीं होती होगी कोई। अगर हम लोग इनके पुतिन की शिक्षा की बात करें और कैरियर की, तो व्लादिमीर पुतिन ने 1995 में लेनिनग्राद विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। यानी कि आपको बता दूं कि पुतिन साहब एक कानून विद भी है, जिसे आप लोग वकील भी कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने केवीजी में काम करना शुरू किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि केवीजी, या इसे आप लोग केवीजी भी कहते हैं या फिर आप लोग इसे केजीबी के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने जासूस का काम भी इसमें किया। और अगर आपको केजीबी के फुल फॉर्म की बात करें तो आप देखेंगे इसे आप लोग कौमी तेत गोसू दस्तरबेतोर वेंजो वेजो प्रस्तुत, इसका पूरा नाम है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, कौमी तेत, फिर आप देखेंगे गोसो दार्ट्री बेनोय वेजो पासनोस्ती, इसका पूरा नाम है। और 13 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें ये क्या करते हैं कि जासूस के रूम में इनका काम रहता है, जहां पर उन्होंने 1991 तक काम किया। और उस दौरान ज्यादातर विदेश में ही उन्होंने रूसी जासूस के रूम में काम किया। उन्होंने 6 साल जर्मनी में बिताए, उसके बाद वो बर्लिन की दीवार टूटने के बाद भी लेनिनग्राद आ गए। उन्होंने 16 साल तक केवीजी में अधिकारी से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पद पर काम किया हुआ है। और 1991 में वे सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में उतरने का उन्होंने फैसला किया। और आप लोग जिस तरह से अनिल कपूर के बारे में कहते हैं ना कि उनका बुढ़ापा दिखता ही नहीं है, इसी तरह आप देखेंगे पुतिन साहब का भी बुढ़ापा आपको दिखेगा ही नहीं है। जिस तरह से इनका बुढ़ापा आता जा रहा है, उसी एनर्जी से आप कहिए कि उतने जवान ही एक तरह आप कहिए काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें कैसे पहुंचे थे केजीबी में, तो मुश्किल हालातों का सामना कर पुतिन ने कानून की पढ़ाई में स्नातक किया।
और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में एक मामूली सा ओहदा हासिल किया, यानी कि पद हासिल किया। केजीबी में पुतिन बहुत ही साधारण से पद पर तैनात थे, वहां उनके जैसे हजारों थे। सिस्टम और सोवियत संघ से त्यागे जाने के बाद भी मुख्य राजनीति के से किनारे हो गए थे, और उस समय मेयर ऑफिस को एक मजबूत शख्स की जरूरत थी। पुतिन उसमें फिट बैठे रहे थे, और केजीबी में काम करने के नाते पुतिन को राजनीति में प्रवेश मिला, और उन्होंने अगले 2 दशकों तक चलने वाली अपनी राजनीतिक पारी की सफल शुरुआत की हुई है। अगर हम लोग पुतिन के राजनीतिक करियर की बात करें, तो आप देखेंगे कि 1991 में उन्होंने अपने पैतृक शहर पीटर्सबर्ग से राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। 1996 में आप देखेंगे पुतिन मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस एल्त सिंह के प्रशासन में शामिल हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1999 में वो व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। फिर आप देखेंगे 2000 सन 2000 से लेकर 2004 में वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति पद पर आते हैं। फिर आप देखेंगे 2008 में वे रूस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं, और 2012 में कानूनी बदलाव होने पर भी फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 2008 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं रूस के, और 2012 में वो कानूनी बदलाव करते हैं और फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं। आप देखेंगे 2018 में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और 76% वोट हासिल करके फिर से वो राष्ट्रपति पद पर पहुंच जाते हैं। और आप देखेंगे 76% मत हासिल होने का मतलब ये होता है कि अधिकतर जनसंख्या उनके साथ है, उनके पक्ष में मतदान कर रही है। आप देखेंगे पहले 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल हुआ करता था। अपने देश का कितने साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आप लोग नीचे लिखिएगा, लेकिन रूस का पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे 2012 में इसमें बदलाव किया जाता है और 6 साल कर दिया जाता है, यानी कि अब वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, और 2024 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। वैसे भी रूस की जनता उन्हें काफी पसंद थी, और करती पुतिन अपनी सख्त निर्णयों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आगे आप देखेंगे तो भाषा की बात करें तो पुतिन रूसी के अलावा जर्मन भी जानते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली है। औपचारिक वार्ता के लिए वह अब भी द्विभाषियों का सहारा लेते हैं, यानी कि 2 भाषाओं का। और सर्वप्रथम पुतिन ने 2003 में बकिंगम में पैलेस में राजकीय रात्रि भोज के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां की मृत्यु पर अपने संवेदना प्रकट करते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में बात की हुई थी। और जब आप किसी देश के अच्छे पद पर ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो आपको कई भाषाएं आनी भी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर हम लोग इनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन एक हाई स्टाइलिश इंसान है। वे पूरी दुनिया में अपने जोशीली अंदाज के बारे में जाने जाते हैं, लोग उन्हें मैचो मैन के नाम से भी जानते हैं। रूस की जनता व्लादिमीर पुतिन को काफी पसंद भी करती है, वे पुतिन को एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं, और रूस के लोगों का मानना है कि पुतिन के शासनकाल में रूस के लोगों का जीवन स्तर सुधरा हुआ है। और 1991 के बाद से ही जब वे रूस के राजनीतिक गलियारों में एंट्री किए हैं, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि जब वे 2 बार लगातार रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उनका आगे का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि रूसी संविधान के अनुसार 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने अपनी तिगड़म से प्रधानमंत्री का पद संभाला, और बाद में फिर भी 2012 और 2018 में राष्ट्रपति पद पर आते हैं। और आप देखेंगे हमारे देश में संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है जब तक वो जिंदा रहेगा, समझ रहे हो। उसमें कोई कार्यकाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि एक बार चुनाव जीतने के बाद दूसरा नहीं लड़ सकता है, दूसरा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारे देश में कई बार राष्ट्रपति बना जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग पुतिन के अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व की बात करें तो विश्व की दूसरी महाशक्ति रूस आधुनिक हथियारों के निर्माता और विक्रेता भी है, और आप देखते हैं कि हम लोग काफी हद तक रूस से काफी हथियार भी खरीदते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुख्य 5 देशों में से यह वीटो पावर में मौजूद है, यानी कि कहने मतलब का मतलब यह है कि यूएन में जो 5 निर्णायक पावर रखते हैं देश, उनमें रूस भी शामिल है। वीटो पावर कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5 देश हैं ये वीटो पावर रखने वाले,
अगर इनमें से एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ रहते हैं तो वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी प्रस्ताव को पूरी तरह से पास करवाना है तो 5 ही देशों का समर्थन होना चाहिए उस प्रस्ताव को। अंतरराष्ट्रीय योग नीति में इनकी जबरदस्त और अहम भूमिका होती है रूस की। भारत से इनके बहुत ही अच्छे गहरे और सकारात्मक संबंध है। और आप देखिए कि जब अमेरिका का झुकाव चाइना और पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था, तब रूस का झुकाव हमारी तरफ हुआ करता था। आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ रूस का झुकाव देखा जा रहा है, क्योंकि हमारी नजदीकियां अमेरिका की तरफ बढ़ रही हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि रूस एक भरोसेमंद मित्र है। अगर हम देखें खाड़ी युद्धों में इनकी अहम और दमदार भूमिका बन जाती है। और अमेरिका से इनकी जानी मानी दुश्मनी है, उसने इनकी कभी बनी नहीं है, अमेरिका से इसकी कभी बनती भी नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध के एक बड़े निर्णायक चेहरे के रूप में देखा जाता है रूस को। अनेक गणराज्यों में बंटने के बाद भी इनकी शक्ति कम नहीं हुई है। जब मर्जी किसी भी देश को युद्ध में धूल चटाने का दम रखता है, कौन? रूस। रूस की वायुसेना बड़ी जबरदस्त है और बमबारी करने में भी माहिर है। और आपको बता दूं कि रूस की बात छोड़िए, पुतिन साहब को भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 2007 में आप देखेंगे टाइम पत्रिका ने पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। फिर आप देखेंगे 12 फरवरी 2007 को सऊदी बादशाह अब्दुल्ला ने पुतिन को सऊदी अरब के शीर्ष नागरिक अलंकार किंग अब्दुल अजीज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारे देश के एक नेता को भी सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से, उसका नाम बताइएगा, ठीक है? फिर आप देखेंगे 10 सितंबर 2007 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से पुतिन को सम्मानित किया था। फिर आप देखेंगे दिसंबर 2007 में एक प्रभावशाली और सम्मानित रूसी व्यापार साप्ताहिक एक्सपर्ट मैगजीन ने पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। फिर आप देखेंगे 5 अक्टूबर 2008 को चेचन राष्ट्रपति रमजान कदयरोव के आदेश के अनुसार चेचन्या गणराज्य की राजधानी गोजी की मध्य सड़क का नाम विक्टरी एवेन्यू से बदलकर व्लादिमीर पुतिन एवेन्यू रख दिया गया था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में ये चर्चा में है, इन्हें मान्यता मिली हुई एक तरह से आप कहिए। फरवरी 2011 में आप देखेंगे किर्गिस्तान की संसद ने तियान शान पहाड़ों में से एक शिखर का नाम व्लादिमीर पुतिन पीक रखने का निर्णय लिया था। और फिर आप देखेंगे 15 नवंबर 2011 को चीन इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर ने 2011 में नाटो द्वारा लीबिया पर बमबारी का विरोध करने एवं 1999 में चेचनिया में युद्ध में जाने के निर्णय के लिए पुतिन को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो इस तरह से इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2011 में आप देखेंगे बेलग्रेड विश्वविद्यालय ने पुतिन डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। किन्हें? पुतिन को। इनसे पुतिन से अगर हम लोग बात करें तो पुतिन से कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, जब भी आप कोई चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसकी कई उपलब्धियां भी होती हैं, और आप देखेंगे उससे विवादों का जुड़ना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी चुनाव में भूमिका पर उठे थे सवाल। पिछले अमेरिकी चुनाव में रूस की भूमिका विवादों में आ गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सन 2020 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, इस दौरान संभवतः डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रचार अभियान चलाने में मदद का आदेश दिया था। और एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने बाइडन की जीत के बाद भ्रामक और बिना सबूत के आरोप लगाए थे। हालांकि खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी भी विदेशी सरकार ने अंतिम परिणामों को प्रभावित नहीं किया था। रूस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप को लगातार खारिज करता रहा है। और फिर आप देखेंगे दुश्मनों की हत्या का आदेश देने का आरोप भी इन पर लगता है। पुतिन और उनके करीबी लोगों पर संदिग्ध लोगों की हत्या का आदेश देने के आरोप भी लगते रहते हैं। और इस आप देखेंगे QUARTZ की रिपोर्ट के मुताबिक इस पुतिन के कई आलोचक शामिल हैं, जैसे लिबरल राजनेता बोरिस नेमत्सोव, खोजी पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया और पूर्व रूसी जासूसी अलेक्जेंडर लिदुनेंको। ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट की अगर बात माने हम लोग इस रिपोर्ट की, तो मुताबिक लिदोनिको की हत्या लंदन में पोलोनियम का इस्तेमाल करके जहर देकर की गई थी, और जिसका आदेश संभवतः पुतिन ने दिया था। और पोलितकोवस्काया
और लिथुआनिया ने 1999 में बम धमाकों की जांच करने की कोशिश की थी, जिसमें चार रूसी शहरों के 300 लोग मारे गए थे। तो आप देखते हैं कि हमारे देश में भी राजनीति में जो आलोचक होते हैं या उनके विरोधी होते हैं, उन पर आपने देखा होगा कि कई एजेंसियों का उपयोग किया जाता रहा है। इसी तरह से आप रूस में जो पुतिन साहब इनके विरोधी हैं, उन्हें मरवाने का, उन्हें फंसाने का, इस तरह के आरोप भी इन पर लगे हैं। इन पर आपको आरोप ये भी लगे कि जेल में डाले जाते हैं राजनीतिक विरोधी इनके। रूसी मानवाधिकार समूह मेमोरियल के आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों लोगों को रूस की जेलों में उनकी राजनीतिक विचारधारा के कारण रखा गया है, और रिपोर्ट्स का दावा है कि राजनीतिक असंतुष्टों को साइबेरिया या श्रम शिविर भेज दिया जाता है, जहां जैसा स्टालिनवादी दिनों में होता था। और कुछ प्रसिद्ध कैदियों में मिखाइल खोदोरोवस्की और पूसी रायट या नादिया साओचिंको जैसे नाम भी इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर आप देखेंगे समलैंगिकों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार की भी बात उठती है, इस विवाद से भी इनका नाता जुड़ा रहता है। रूस में समलैंगिकों के साथ पुतिन का व्यवहार अक्सर विवादों में रहता है। उनकी सरकार ने 2013 में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए समलैंगिकता को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया था, और पुतिन ने कहा था कि समलैंगिक विरोधी कानून किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। रूस के न्याय विभाग ने कहा था कि इसे बच्चों की नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाया गया। वहीं यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि यह कानून भेदभावपूर्ण और होमोफोबिया को बढ़ावा देता है। तो इससे भी इनका विवाद जुड़ा रहा है। फिर आप देखेंगे विदेशी जमीनों पर कब्जा और इतिहास दोहराने की तैयारी की भी बात उठी रही है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को प्रायोजित करना शुरू कर दिया था। क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस के सैन्य प्रमुख जनरल वलेरी गेरासिमोव ने कहा था कि यूक्रेन के सभी 193 सैन्य अड्डों पर रूस का झंडा फहरा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर जमा हो रहा है और हमले की तैयारी कर रही है, और बाइडेन ने कहा था कि वह रूस की किसी भी हिंसक कार्रवाई को नाकाम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के कई विवादों से इनका नाता भी रहता है। और आप देखते हैं पुतिन का सबसे बड़ा सिद्धांत है एलेक्सी नवेलनी। पुतिन के सबसे बड़े आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को पुलिस ने जनवरी में मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया था, और पिछली गर्मियों में जहर दिए जाने के बाद से वह जर्मनी में अपना इलाज कराए रहे थे, और जनवरी में वो स्वदेश पहुंचे थे। और इस कदम से पुतिन को पश्चिमी देशों की आलोचना झेलनी पड़ी थी, और अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने रूसी सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी, और जल्द नवेलनी को रिहा करने की मांग भी की हुई थी। और इससे पहले नवेलनी को जहर दिए जाने का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना था। जर्मनी में हुए सैन्य टेस्ट में पाया गया था कि उन्हें घातक नोवोचॉक जहर दिया गया था, और कहा जाता है कि रूसी खुफिया एजेंसी अपने बड़े शिकार को आसानी से मारने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, और इसको 1960 से लेकर 1970 के दशक में बनाया गया था। और फिर आप देखेंगे एक और विवाद इनसे पुतिन से जुड़ा रहता है, 100 अरब रुपए का महल, गर्लफ्रेंड और सरकारी खजाने से भी इनका नाम काफी सुर्खियों में आता है। एलेक्सी नवेलनी ने दावा किया था कि रूस के राष्ट्रपति के पास 100 अरब रुपए का घर है, और यही नहीं पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड पर सरकारी खजाने से जमकर पैसा बहा रहे हैं। नवेलनी ने यह भी कहा था कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और अपनी 17 साल की बेटी को भी पैसा दे रहे हैं। नवेलनी ने दावा किया था कि पुतिन का काला सागर तट पर 100 अरब रुपए का महल है, इससे पोल डांस करने और कैसीनो की सुविधा है। और नवेलनी ने बताया था कि रूस के राष्ट्रपति जिन लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उनमें उनकी कथित पार्टनर अलीना कवा पूर्व पत्नी स्वेतलाना शामिल है इसमें। तो इससे भी इनका नाम जुड़ा रहता है। और आप देखेंगे कि इनके सॉन्ग भी काफी हैं, जूडो कराटे इसकी वादी या इसकी खेल, जो आप देखते हैं कि बर्फ पर यात्रा से जुड़ा रहता है। आइस हॉकी भी आप लोगों ने सुना होगा, बर्फ हॉकी भी बर्फ पर खेली जाती है, घुड़सवारी, तैराकी, शिकार करना, इस तरह के पुतिन कई शौक भी रखते हैं और अभी चर्चा में भी काफी बने हुए हैं। तो इनके बारे में जानकारी आप अपने पास रखिएगा, और भी हम लोग जो भी चर्चा में रहेंगे उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे समय समय पर।
ठीक है, आप लोग एंजॉय करिएगा। आपके मन में भी किसी व्यक्ति का नाम हुआ करे तो उसे बताया करिएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक